बहादुरगढ़ में मिट्टी पर सीसी डालकर सड़क बनाने का काम किया जा रहा है और इसी खराब सड़क का भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और नगर परिषद के चेयरपर्सन सरोज राठी द्वारा उद्घाटन किया गया। घटिया निर्माण कार्य को रुकवाकर सही करवाने के बजाय भाजपा नेता ठेकेदार के बचाव में आकर खड़े हो गए हैं। शहर के शक्ति नगर से सेक्टर 13 को जोड़ने वाली सड़क मिट्टी पर सीसी डालकर बनाई जा रही है। सड़क बनाने से पहले न तो लेवलिंग की गई, न ही जेसीबी और न ही पीसीसी डाली गई, इसकी तुराई भी नहीं हुई और बनते ही सड़क में दरारें आने लगी हैं। एक ओर जहां अधिकारी इस भ्रष्टाचार पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, तो दूसरी ओर भाजपा विधायक के इस तरीके के बोल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस पॉलिसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये देखे कंपनी ये निर्माण बना रही है, ये आपके सामने है, नहीं तो नीचे बैस डाल रखे कुछ भी, मतलब रोड ही भट्ठे का खोरा ले आके डाल दिया इन्होंने। और ये मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में टूट जाएगा ये रोड, इसका अच्छा निर्माण नहीं लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों के पास फ़ोन कर दिया, अधिकारी नहीं आ रहे यहाँ पे, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसका सैंपल भी भरा जाए और इसको जो है अच्छी प्रकार का बनाने का फ़ायदा क्या है, सरकार का पैसा वेस्ट हो रहा है, ठेकेदार पैसे खा रहे हैं, अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये आधा रोड तो बन गया यहाँ पे, लेकिन 2 महीने के बाद में ऐसा ही हो जाएगा जैसा आज ये टूट जाएगा ये, और रात को ये निर्माण चल रहा है, दिन में निर्माण चल रहा है, आप देख ले टाइम 12 बजे हुए, दोपहर में यहाँ कोई लेबर लगी नहीं हुई, ये रात को काम करते हैं, रात रात को ये रोड बनता है, तो रात को कैसा काम चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये आपके सामने है और ये हमने बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये आप खुद इसको एक बार कैमरा घुमा के देखो आप, नीचे बिल्कुल भी जो भी मकान का हम निर्माण करते हैं सबसे पहले हम अपनी नींव मजबूत करते हैं, हमारी नींव देखो आप, आपके सामने मिट्टी के ऊपर ये कंक्रीट डाल रहे हैं, तो इसकी जाँच होनी चाहिए। आपसे ही प्रार्थना है इस मुद्दों को आप उठाओ मीडिया के माध्यम से, आप लोगों का धन्यवाद, आप यहाँ पे आए लेवल चेक करो एक बार, लेवल भी नहीं ले रखा जी। बताइए आज क्या किया गया? ये मैं सबसे पहले बहादुरगढ़ हलके की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, अपने ओम प्रकाश धनखड़ जी का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में समान विकास की धारा बह रही है, पूरे हरियाणा में विकास कार्य हो रहे हैं और आज बहादुरगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक रास्ता है जो शक्ति नगर और ये साथ वाली कॉलोनी है आदर्श नगर देवनगर, इन कॉलोनियों को DIG कॉलोनी, इन कॉलोनियों को सेक्टर 13 से जोड़ने वाला रास्ता है, तो ये नहर के साथ पटरी वाला रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगभग 30 लाख रुपए की राशि से ये विकास कार्य मंजूर किया है, इसके लिए मैं पूरे बहादुरगढ़ हलके की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अपना अखाड़ा भी है और पहलवान भी सुबह सुबह रेस करते हैं और हमारी माताएं बहने बुजुर्ग बहुत घूमने जाते हैं, क्योंकि कई कॉलोनी होगी और रास्ता था नहीं, बहुत से लोग कार्य में अड़चन डालने की भी कोशिश करें, मैं उन भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जागरूक होना चाहिए, लेकिन काम जो अच्छा काम हो रहा है समाज के लिए हो रहा है, छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पर घूमते हैं, वे भी खुद घूमते हैं, तो काम में अड़चन ना डाल के और काम में मदद करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले समय में भी और भी जो काम बचे हुए सारे काम हम सब मिलकर करें, वो भी मिले, अच्छी बात है, जब सारे मिलकर काम करेंगे तो अपने भादड़ का पूरे हलके का विकास होगा, अपनी कॉलोनियों का विकास होगा। तो आज के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का और जो लोग कॉलोनियों से आए हैं, जिन लोगों की डिमांड थी, इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी जो कार्य हुआ अधूरा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठेकेदार को अभी आपके सामने हमने कह दिया है भाई काम बढ़िया करना है, ठीक, काम में कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, शिकायत आओगी तो हम आगे तेरी कंप्लेंट करेंगे। मोटाई भी 1-2 इंच और अब भी वो बनने से पहले ही टूट चुकी है, पूरा बढ़िया बनाएगा, जो टूट रहा है उसको ठीक करेगा, उस पर कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं बनाया, काम का कुछ भी लगाया नहीं उसने, नहीं बोर्ड ना तराई की जा रही है सर, पहले काम होगा और तराई की जो मकान साथ में लगते हैं मैं उनसे भी निवेदन करूँगा तराई के लिए उसकी मदद करें ठेकेदार की, क्योंकि वो पानी अपनी जेब में थोड़ी लेकर आऊंगा, वहाँ साथ नहर साथ लगती है, नहर से लें या उधर से लें, पानी तराई अच्छी तरह ठेकेदार पूरी करेगा, नहीं करेगा तो हम इसकी पूरी देख रहे क्या दे दूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाने के बजाय आप उद्घाटन का सराय ले रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिक सराय है? उद्घाटन कोई नहीं, जब काम हम करा रहे हैं तो उद्घाटन कौन करेगा,
जब काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है तो कांग्रेस वाले थोड़ी करेंगे उद्घाटन। सरकार अपनी सिटी हार्ट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मेहरे बड़सर जिला हमीरपुर का एकमात्र हृदय रोग निवारण केंद्र आपकी सेवा में 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ होता है हृदय रोग संबंधित हर बीमारी का इलाज। यहाँ हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम आपके हृदय का बेहतर इलाज एवं देखभाल करने को हमेशा तैयार है। यहाँ हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड भी माने हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं भी यहाँ कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं। हृदय संबंधी किसी भी इमरजेंसी के लिए कृपया संपर्क करें 0972-22-22। आपके हृदय की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। हमारा पता है भकरेड़ी, तहसील बड़सर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।